नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो का जो कि रजिस्टर नंबर था उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी 5 पार्ट बना चुका हूँ। आप सारे क्वेश्चन जाके देख सकते हैं जो कि एस चंद बुक से हैं, और आपको एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे बुक के मिल जाएंगे जो कि रजिस्टर नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करिए कि देखिए, मैं ये पार्ट 6 बना रहा हूँ, ये पार्ट 6 और इसको आप लास्ट पार्ट भी कह सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक और पार्ट ला सकता हूँ, लेकिन ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं। आप इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा। देखिए, द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलस ट्राइंगल इज इतना 6 × 11/20 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ इट्स इक्वल साइड इज इतना, फाइंड द थर्ड साइड। सबसे पहले देखिए आइसोसेलस ट्राइंगल क्या होता है, आइसोसेलस ट्राइंगल जान लीजिए, जिसकी दो साइड बराबर होती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं ये ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये होता है ए और ये होता है, जिसकी दो साइड बराबर हो, तीसरी साइड क्या हो, अलग हो। और पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो देखिए, जब सम ऑफ ऑल साइड आप करेंगे तो इसमें हमें 3 साइड है, तो अगर हम पेरीमीटर निकालें तो क्या हो जाएगा, a + b, ये हमारा पेरीमीटर का फार्मूला निकलेगा आइसोसेलस का। a + a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, + b हो जाएगा। तो आप ध्यान दे सकते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलस ट्राइंगल इज इतना। तो ध्यान दीजिए, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पेरीमीटर दिया हुआ है 6 × 1/20। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 131/20 इसका पेरीमीटर हो गया। और एक साइड है जो कि दोनों इक्वल है, इट्स टू इक्वल साइड्स, तो जो कौन से, तो मतलब ए की वैल्यू दी हुई है, तो ए की वैल्यू कितनी दे दी हुई है, वन साइड का कितना दिया हुआ है, 1 × 2/5, इसको हम लिख सकते हैं 7/5। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए सॉल्व कैसे करेंगे, पेरीमीटर बराबर मैंने बता दिया था a + a + b। तो अब देखिए क्या करते हैं, हमको b सेकेंड साइड निकालना है, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड साइड। अब ध्यान दीजिएगा, तो a हमारा कितना है, 7/5 हो गया, ए भी हमारा 7/5 हो गया, हमको बी निकालना है। पेरीमीटर हमारा कितना है, ऑलरेडी हमने लिख दिया 131/20, मतलब 131/20। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं, जब बेस सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो ऐसे ले लेंगे, 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा ये, और प्लस में बी लिखेंगे, बी हमारा साइड है, और ये हो जाएगा 131/20। अब आगे आ जाइए, इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14/5, ये हो जाएगा 131/20 इज प्लस बी। अब आगे देखिए, इसको इधर लेके जाएंगे तो 131/20 -14/5 = b। अब इसको मैं यहाँ ले आकर सॉल्व करूँ, ध्यान दीजिएगा, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो 20 एलसीएम आएगा, ये 131 हो जाएगा, और -14 × 4 हो जाएगा, 14 × 4, क्योंकि इसका डिवाइड 5 का डिवाइड जब देंगे 24, तो 14 मल्टीप्लाई हो जाएगा = b हो जाएगा, 131 - 6 हो जाएगा 14 × 4 = 56, 56/20। 11 से 6 जाए तो 5 हो जाएगा, यहाँ बचा 2 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा, 75/20, इसको काटिए तो 5 × 5 = 15, वही हो जाएगा 54। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 1/4 = 3/4 है, तो हमारा इसका ये हमारा मेन आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, यू पार्टिसिपेट इन ए इतना किलोमीटर रिले रन फॉर द चैरिटी, योर टीम हैज 8 पीपल एंड ईच पर्सन रन सेम डिस्टेंस, हाउ मेनी किलोमीटर। देखिए कह रहा है कि 8 पर्सन थे और 3 सारे के सारे क्या है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं, और वो ट्रेवल कितना है, वो 12 × 1/2 किलोमीटर के बराबर। अब इसी को सॉल्व करना है, 8 × x = 2, ये 12 × 25 = 20, 25/2 हो जाएगा, x की वैल्यू उधर ले जाएगा, 8 की उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 25/2 ये हो जाएगा 2 × 8। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x = 25/16, अब इसको सॉल्व करेंगे 16 × 16 = 9/16 किलोमीटर, मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो 8 व्यक्ति थे इतना किलोमीटर दौड़े हैं, और टोटल कितना दौड़े हैं, टोटल 12 × 1/2 किलोमीटर, मतलब 25/2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ए पोस्ट कार्ड इज़ इतना मीटर लॉन्ग एंड इतना मीटर वाइड, फाइंड द एरिया। आप देखिए किसी पोस्ट कार्ड, जैसे पोस्ट कार्ड ऐसा होता है, तो पोस्ट कार्ड इसमें ये लेंथ होता है और ये ब्रेथ होता है, तो इसकी एरिया जब निकालना होता है तो इसकी एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू
ब्रेथ हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ का लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 10 2 by 5 50 10 5 या 50 50 प्लस 2 52 अपान में 5 हो गया। और ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 7 4 by 5 दिया हुआ है। 7 5 35 36 37 38 47 39 अपान में 5 हो गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा इसको हम क्या करेंगे, हमको लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया निकालना है। तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हमारा हो गया 52 by 5 into 39 by 5। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2028 अपॉन में 25, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 81 3 by 25 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब इस पोस्ट कार्ड की जो एरिया है, इस पोस्ट कार्ड का जो एरिया होगा वो कितना होगा, 81 3 by 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारे क्या हैं सेंटीमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिया वेंट टू सी टू वन एक्ट प्ले। देखिए रिया क्या करने गई, दो कोई प्ले देखने गई थी जो कि दो वन एक्ट प्ले था, और उसके बीच में इंटरमिशन कितना था, 1/6 आवर का। एंड द इवनिंग आर लास्टेड इतना आवर, मतलब कि 2.5 घंटे का पूरा प्रोग्राम था। द फर्स्ट टू प्ले वाज इतना आवर एंड लॉन्ग, हाउ लॉन्ग द सेकेंड प्ले, पूछ रहा है सेकेंड प्ले। देखिए फॉर्म में क्या होगा, टोटल टाइम कितना लगा होगा इज इक्वल टू फर्स्ट प्ले कितना लगा होगा प्लस इसमें जो इंटरमिशन होगा, इंटरमिशन हमको पता है, और प्लस सेकेंड प्ले, प्लस सेकेंड प्ले। अब देखिए क्या टोटल टाइम हमारा कितना लगा है, टोटल टाइम लगा हमारा लगभग 2.5 घंटे। तो 2 1/2 आवर इज इक्वल टू फर्स्ट प्ले कितना लगा, फर्स्ट प्ले लगा 1 1/4, और प्लस इंटरमिशन कितना लगा, इंटरमिशन हमको 1/6 आवर लगा है। और सेकेंड हाउ सेकेंड प्ले हमको पता करना है, तो उसको हमने क्या मार लेते हैं, एक्स मार लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लें, 2 2 जा 4 5 by 2, और प्लस 4 1 जा 5 by 4, और प्लus 1/6 ई प्लस एक्स। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एक काम करते हैं, इस सारे को इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 5 by 2 minus 5 by 4 minus 1/6 इज इक्वल टू एक्स। अब इन सारे का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा 12 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 12 आ जाएगा। ये हो जाएगा 6 5 30 माइनस 7 3 12 मतलब 15, और माइनस कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू एक्स। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जब इतना आ गया तो ये 17 30 में कितना हो जाएगा, ये 30 minus 17 by 12। जब इसको सॉल्व करें एक्स की वैल्यू होगी, तो एक वैल्यू हमारी क्या आ गई, 13 by 12 इज इक्वल टू एक्स। इसको हम लिख सकते हैं 1 1/12, 1:1/12 लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, इफ़ वन थर्ड ऑफ ए नंबर एक्सीडेड इट्स 2/3 by 1। इसका देखिए, इसका मान लीजिए कोई नंबर x है, उसका 1/3 मान लीजिए 1/3 ऑफ x इज इक्वल टू उसका 2/3 नंबर ले लिया जाए, 2/7 एक्स ले लिया जाए, उसमें यदि 1 जोड़ा जाए तो वो आपस में क्या आएंगे, इक्वल, यही इक्वेशन बनेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते, इसको इधर लेके आएंगे, जब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x/3 minus 2x/7 इज इक्वल टू 1। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 21, इसका एलसीएम 21, और ये हो जाएगा 7x, और ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 1। इस 21 को इधर गुणा हो जाएगा, ये 7x में से 6 घटेगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू हो जाएगा 21। तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 21 आ गया। देखिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों। और देखिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जो कि पार्ट 6 है, कंसर्ट, मतलब कंसर्ट का मतलब कोई एक प्रोग्राम हो रहा है जिसकी टिकट यूजुअली कितना है, 120 4/5 है पर पर्सन फॉर स्टूडेंट। अगर यही अगर स्टूडेंट को देखा जाए तो 1/4 हो जाता है, इस पैसे का 1/4 हो जाता है नॉर्मल कॉस्ट का। हाउ मच सिक्स टिकट, मतलब अगर स्टूडेंट का पूछा जाए तो कितना, सबसे पहले हम देखते हैं वन पर्सन का कितना है, 124/5। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 5 7 604 हो जाएगा, 604 एक पर्सन का। लेकिन अगर स्टूडेंट का किया जाए तो स्टूडेंट का तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, किसका, 604/5 का। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 5 जा 151, तो स्टूडेंट का कितना आ गया, 151 बाई
5 आ गया, मतलब एक स्टूडेंट का कितना रुपया लगेगा, वो एक स्टूडेंट का इतना कॉस्ट लगेगा 151/5। लेकिन इसमें पूछा क्या है, 6 स्टूडेंट का। तो 6 स्टूडेंट का जब पूछा है तो 1 स्टूडेंट का अगर इतना है तो 6 स्टूडेंट का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 6 और 15 × 90 कितना हो जाएगा, 906/5, मतलब एक स्टूडेंट का हमारा इतना था तो 562 इतना हो जाएगा। जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 181/5 ही हमारा इसका मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर आ जाएगा। ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ये एसचंद की किताब में है और एनसीईआरटी के भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। और ये रेशनल नंबर का सबसे आखिरी पार्ट है और सबसे अंतिम पार्ट है। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।